वो दरअसल मैं ये कहूँगा, ननंद और जेठानी का झगड़ा जैसा झगड़ा हुआ वो एक्चुअली होना ये चाहिए था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज असेंबली अटेंड करना चाहिए था और उनके तमाम एमएलएस बशमूल फ्लोर लीडर को असेंबली अटेंड करना चाहिए था। जब पीवी नरसिम्हा राव का एजेंडा असेंबली के अंदर जब पेश किया गया तो उस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नारे तकबीर अल्लाह अकबर पीवी नरसिम्हा राव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए असेंबली का बाइकॉट करना चाहिए था। आप खाली घर में बैठ के नहीं जाएंगे हम बोले तो वो बाइकॉट नहीं होता, वो तो एजेंडा आता पास हो जाता। तो यकीनन इसका मतलब ये है कि आप कुछ चाहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव का एजेंडा असेंबली में पास हो। अगर आप नहीं चाहते असेंबली में रेजोल्यूशन उसका पास होता तो आप आज असेंबली में जाते, बैठते, एहतजाज करते और असेंबली की कार्रवाई को रुकाते। इतनी देर तक आप गड़बड़ करते असेंबली के अंदर कि जितनी देर तक पीवी नरसिम्हा राव का रेजोल्यूशन असेंबली में पास नहीं होता। आप खाली घर में बैठ के हम बाइकॉट करते पीवी नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत का मुलव्वस है, अरे वो तो पूरी दुनिया को मालूम है पीवी नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्वस है। सो आपने क्या किया आज, आप सिर्फ घर में बैठ के अगर खामोश बैठते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते थे, आप कुछ चाहते थे कि पीवी नरसिम्हा राव का जो है जो रेजोल्यूशन है उस रेजोल्यूशन को असेंबली में पास हो। और उसी की मदद आज ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टीआरएस के अंदर की है, असेंबली के अंदर जो है टीआरएस की मदद की है, बस वो उतनी सी बात है। लेकिन मसला यहां पर ये नहीं है, दरअसल मसला ये है कि देखिए अब मैं आपके सामने अगर कुछ बातें रखूं तो शायद लोगों को जो है इस बातों से जो है थोड़ा सा थोड़ा सा लोगों को सोचने पर मजबूर करूंगा। किशनबाग के अंदर एक फसादात हुआ, चार मुसलमानों को जो है वहाँ पे शहीद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मगर असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ थे। टीआरएस ने आलेर एनकाउंटर में 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया, उसके बाद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ थे। टीआरएस ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का तहफ़ देने का वादा किया, लेकिन आज तक वो रेजोल्यूशन आज तक जो है 12% का रिजर्वेशन नहीं दिया, उसके असदुद्दीन अवैसी साहब साथ है। टीआरएस ने मस्जिद खाना अंबरपेट पर शहीद कर दिया, जो कि दारुसलाम से सिर्फ 4 किलोमीटर पर है, उसको शहीद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने प्रेसिडेंट इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया, उसके बावजूद भी आज मगर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के अंदर बीजेपी को वोट दिया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। आप देखिएगा और बहुत से नोटबंदी के नाम पर टीआरएस ने बीजेपी का साथ दिया, असदुद्दीन अवैसी साहब उस पर भी टीआरएस के साथ है। आप देखिएगा जैसा कि जीएसटी के नाम पर जो है बीजेपी का साथ दिया टीआरएस ने, उस पर भी असदुद्दीन अवैसी साहब उसके साथ है। ट्रिपल तलाक के मामले में टीआरएस ने खुल के बीजेपी का साथ दिया, उस पर भी असदुद्दीन अवैसी साहब उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने आर्टिकल 370 के नाम पर जो है बीजेपी का साथ दिया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने आरटीआई बिल के नाम पर जो है बीजेपी का साथ दिया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने एनआईए के बिल के नाम पर जो है बीजेपी का साथ दिया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने यूएपीए के बिल पर बीजेपी का साथ दिया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिदों को शहीद कर दिया और उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब आज टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने पीवी नरसिम्हा राव के बर्थडे सेलिब्रेशन पर 10 करोड़ का ऐलान किया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हैदराबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखने का ऐलान किया, उसके बावजूद भी टीआरएस के साथ है असदुद्दीन अवैसी साहब। टीआरएस ने पीवी नरसिम्हा राव के 5 पुतले तेलंगाना में लगाते, बशमूल जिसमें एक हैदराबाद है उसका भी एक पुतला जो है हैदराबाद में लगाने का ऐलान करते हैं, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने पीवी नरसिम्हा राव का वरंगल डिस्ट्रिक्ट को नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव डिस्ट्रिक्ट रखने का ऐलान किया, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब टीआरएस के साथ है। टीआरएस ने आखिर में भारत रत्न के अवार्ड से बीजेपी भारत रत्न के अवार्ड पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाए उसके नाम पर असेंबली में रेजोल्यूशन पास करने का ऐलान किया, उस पर भी टीआरएस के साथ है। तो अब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आखिर टीआरएस के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो हर एजेंडा जिस पे टीआरएस काम कर रही है उसके बावजूद भी असद साहब कहते हैं कि मैं टीआरएस के साथ ठहरा हूँ, मैं केटीआर के साथ ठहरा हूँ, मैं जिंदा रहने तक मरने तक केसीआर के साथ ठहरूंगा। अरे भैया ये बात समझ में नहीं आती, जब 2012 नवंबर के महीने में एक चारमीनार मंदिर के हस्ब मामूल हस्ब रिवायत हर तरीके के यानी हर साल के एतबार से हिसाब से हमारे हिंदू भाई कुछ 2 पुतले लगाते हैं, तो कुछ 2 बमुआ लगा के टर्पलिन टाटपटरी उसके ऊपर लगाते हैं ताकि पूजा करके आने वाले जाने वाले लोगों के लिए पानी का जो है कोई तकलीफ ना हो उसके लिए लगाते हैं। तो उस एक छोटी बुनियाद पर
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कांग्रेस से अलायंस तोड़ देते हैं, या हमारी मस्जिदें टूट जाती, 12% रिजर्वेशन नहीं मिलता, आशुर खानों को शहीद कर दिया जाता, हमारे इबादत गाहों में मदाखिलत की जाती है, हमारे शरीयती मामलों में ट्रिपल तलाक के मामलों में भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, प्रेसिडेंट इलेक्शन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है टीआरएस, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी असद साहब आज भी यही कहते हैं कि मैं टीआरएस के साथ हूँ। हमारा ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, और दूसरी, अब मैं आखिरी में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अब परसों हाल ही के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दारुसलाम के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि हमने पीवी नरसिम्हा, हमने के चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर लिया, और के चंद्रशेखर राव केसीआर साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि के चंद्रशेखर साहब वहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर दो मसाजिदें उसी जगह पर तामीर करेंगे। देखिए, 1992 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद की शहादत के दूसरे दिन 7 दिसंबर के दिन पीवी नरसिम्हा राव के मकान के बाहर ठहर के यही असदुद्दीन अवैसी साहब के वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने एक बिल्कुल ऐसे ही सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने पीवी नरसिम्हा राव से बशमूल यानी हम जैसे लोगों से जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव से हमने इस बात का तवक्कुल ले लिया कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसी जगह पे तामीर होगी। आप बताइए, 27 साल तक उस मुकदमा चला, लेकिन 27 साल के बाद ना आज वो तवक्कुल देने वाले लोग रहे, ना आज वो तवक्कुल लेने वाले लोग रहे, ना आज बाबरी मस्जिद रही। तो हमारा मानना यह है, बिलखसूस अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ, हमारा मानना यह है कि हम इस हुकूमत के बयानात को हम झूठा मानते हैं, इन कायदीन की बातों को हम झूठा मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि ये कायदीन झूठे बयानात देते हैं। 12% पे झूठ बोला, आले एनकाउंटर पे झूठ बोला, अंबर पेट की खाना मस्जिद पे झूठ बोला, आपने मस्जिद उमर फारूक पे झूठ बोला, बाबरी मस्जिद पे झूठ बोला। तो अब इतने झूठों के बाद हम आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानते हैं, बल्कि हम अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमने एक SLP डाला था, SLP के अंदर हमको हाई कोर्ट को अप्रोच होने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ग्रांट करा था, लिबर्टी हमको मिली है कि हाई कोर्ट के अंदर 15 अगस्त के दिन जो एक ऑर्डर पास हुआ था हैदराबाद के एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एडवोकेट ने एक बेखौफ बनाने वाला जजमेंट जो है लिया था, उस जजमेंट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया है। तो उस ऑर्डर के मुताबिक इंशाल्लाह आज शाम तक या कल तक हम हाईकोर्ट के अंदर जो है हमारी उसके अंदर हम ऑर्डर में इम्प्लीट होंगे, उसके बाद हाईकोर्ट के अंदर हम ये बातों को रखेंगे। मैं कहना यह चाहता हूँ कि आप जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वादे कर रहे हैं कि मस्जिद बन जाएगी, अरे कब बनेगी, कितने में बनेगी, हम आपके बयान को नहीं मानेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप जो मुसलमानों को, हिंदुस्तानियों को आप जो भरोसा दिलाना चाहते हैं, वो भरोसा आप अदालत में आके दिलाएं, जज के सामने GP आपका, PP वगैरह जो भी होगा वो आए आके हमारे जज के सामने, हमारे मुकदमे में आप इन राइटिंग तौर पर हमको दें कि हमारी मस्जिदें तोड़ा किसने, हमारी मस्जिदें कब बनेगी, कितने वक्त में बनेगी और किसके बजट से बनेगी, हमको इस बात का भरोसा यकीन हमको अदालत के अंदर दिलाए, तब हम इस बात को यकीन मानेंगे कि हम, हाँ खुदा ना करे, अगर अल्लाह ना करे, एक दिए हुए मुकर्रर वक्त के अंदर हमारी अगर मस्जिद जो है दोबारा उस जगह अगर तामीर ना हो, तो हमारे पास कम से कम एक ऑर्डर तो होगा, हम उस ऑर्डर को लेके हम कल अपील को तो जा सकते हैं। मान लो 2 साल के बाद अगर ये जो है भरोसा दिलाने वाले लोग बाहर दुनिया में नहीं रहे, तो हम किससे जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, किससे हम पूछेंगे। अगर हमारे पास अदालती तहरीरी तौर पर अगर हमारे पास कोई ऑर्डर अगर होता है, तो उस ऑर्डर को लेके हम जाएंगे कोर्ट में, जाके बोलेंगे कि जज साहब आपने इतने वक्त का टाइम दिया था, ये वक्त के दौरान भी आज मस्जिद नहीं बनी है, बल्कि हम कोर्ट को जाएंगे। अगर हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी ना होगा, अगर हमारे पास कुछ भी ना होगा, तो हम किसको लेके जाएंगे, किसके पास जाके अपनी फरियाद सुनाएंगे। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि हम इनके बयानात को नहीं मानते, हम अदलिया को मानते हैं, अदलिया के अंदर हम कानूनी कार्रवाई हमारी जारी रखेंगे। लेकिन आपने अक्टूबर का वक्त लिया है, यकीनन हम आपको अक्टूबर का वक्त देते हैं, अक्टूबर में संगे बुनियाद रखिएगा, संगे बुनियाद की बुनियाद पर हम भी देखेंगे कि आप करेंगे। अगर आप करेंगे तो हम अपने ऑर्डर को घर में रख लेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो हम अपने ऑर्डर को लेकर सड़कों पर उतरेंगे इंशाल्लाह। फ्लाई USA, UK, Canada, Australia, Dubai, Umrah packages, international and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside, Hajj House, contact 888-555-66786.